हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी का सोल्व पेपर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, और जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड है वो है ग्रुप रिंग्स एंड फील्ड्स बुलियन अलजेब्रा। इन सारों से मिल के ये अपने पास यूनिट बनी हुई है। अब हम इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं इसके जो पुराने सॉल्व पेपर है उसमें से जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया है। 2014 जो क्वेश्चन है, ग्रुप को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त पूर्णांकों को समुच्चय जेड योग संक्रिया के सापेक्ष एक अपरिमित आबेली ग्रुप है। ये पहला क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। ग्रुप होता क्या है? ग्रुप जो होता है अपने पास वो होता है जी कोई एक एरिक्ट समुच्चय होगा। एरिक्ट समुच्चय है फिर जी कोई एरिक्ट समुच्चय है तथा कोई एक संक्रिया है, इस पर संक्रिया डॉट कोई परिभाषित डॉट संक्रिया परिभाषित है, कोई डॉट संक्रिया परिभाषित है तब संरचना जी डॉट एक ग्रुप कहलाती है। यदि मतलब अपने पास कोई सेट होगा, कोई एरिक्ट सेट होगा जो तथा उसके साथ कोई एक अपने पास संक्रिया दी हुई होगी, जैसे हम यहाँ मान के चल रहे हैं डॉट या स्टार हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। अब वो परिभाषित है तो ये संरचना दी हुई है तो जी डॉट एक ग्रुप कहलाता है, वो सेट जो होगा वो ग्रुप कहलाएगा यदि यदि इसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन फर्स्ट है ए डॉट बी। कंडीशन फर्स्ट है अगर जैसे हम मान लेते कोई ए बी बिलोंग्स टू जी है, पहले हम ये मान लेते ए बी बिलोंग्स टू कोई जी है, देन जो अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो उनमें कंडीशन फर्स्ट आती है ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि उसके कोई भी दो अवयव होंगे उन दोनों का जो उन पर जो संक्रिया है वो परिभाषित करने पे, अपने पास जो संक्रिया होगी वो परिभाषित करने पे उस संक्रिया के साथ उसी में आनी चाहिए। ये अपने जो ये नियम कहलाता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और ये नियम कहलाता है संवृत नियम या क्लोजर। संवृत नियम में क्लोजर कहलाता है। उसके बाद आता है अपने पास सेकंड कंडीशन जो होती है वो होती है साचार्य नियम। एसोसिएटिव होना चाहिए। अभी एसोसिएटिव क्या होता है? ये होता है अपने पास ए बी डॉट सी, इस तरह से अपने पास ये इस तरह से परिभाषित है तो ये इस तरह इक्वल होना चाहिए, ए बी सी इसके इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये हो गया। उसके बाद होना चाहिए अपने पास थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है अपने पास तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव क्या होता है फ्रेंड्स? हम जैसे तत्समक अवयव मान लेते हैं कि ई अगर एक अवयव है, ई बिलोंग्स टू जी, ये तत्समक अवयव है, ये इस तरह से होता है। इसके लिए कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए ई बराबर ई ए बराबर ए, मतलब कि तत्समक अवयव वो अवयव होता है जिसको अगर हम किसी ग्रुप जो सेट होता है उसके अगर अवयव पर डिफाइन करें उस पर उस संक्रिया को लगाएं उसके साथ तो वो कि वही अवयव आ जाना चाहिए, मतलब जो हम जिस पर हमने लगाए वही अवयव आ जाना चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास फोर्थ प्रतिलोम अवयव, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव,
अब फ्रेंड्स पेतलुम अवयव क्या होता है? फ्रेंड्स पेतलुम अवयव का मतलब होता है अगर हम जैसे कोई कोई अवयव है ए बिलोंग्स टू जी, इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम जैसे होगा बी बिलोंग्स टू जी, इसका प्रतिलोम बी मान लेते हैं, तो इसका जो जो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए ए डॉट बी बराबर ई। अगर ऐसा कोई प्रत्येक ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए बिलोंग्स टू जी के लिए कोई अवयव बी इस तरह से हो जाना चाहिए, हमें जी में ही मिल जाना चाहिए कि कोई इसका इनवर्स पॉइंट जो मिलना चाहिए वो जी में ही मिलना चाहिए कि उसको उसके साथ संक्रिया अप्लाई करने पे अब हमारे पास आइडेंटिटी अवयव आ जाए, या इसको हम इससे शो कर सकते हैं ए डॉट ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ई, ए इनवर्स ए सॉरी ए इनवर्स ए, ये आ जाता है। अगर अपने पास ये आ जाते हैं तो ये अपने पास तत्समक अवयव हो गया। अब अगर ये चारों कंडीशन को कोई सेट कोई समुच्च जो उपरोक्त चारों उपरोक्त चारों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो वह समुच्च एक ग्राफ कहलाता है। फ्रेंड्स अब हमारे पास एक ग्राफ की डेफिनेशन हो गई। अब हमें इससे आगे जो प्रूव करना है वो है अपने पास हमें आगे जो शो करना है वो शो करना है कि अपने पास जो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय होता है जेड, मतलब जेड जेड जो होता है वो एक आबेली ग्रुप है, ये प्रूव करना है हमें, ये आबेली ग्रुप प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास आबेली ग्रुप क्या होता है इसका हमें डेफिनेशन होनी चाहिए। आबेली ग्रुप होता है अपने पास कोई ऐसा ग्रुप जिसमें क्रम विनिमेयता हो, मतलब कि वो ग्रुप तो होगा ही साथ में ही उसके साथ आबेली, मतलब जैसे ए बिलोंग्स टू जी बी बिलोंग्स टू जी देन ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होना चाहिए। हर अवयव के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है तो अपने पास वो आबेली है। अब हम सिद्ध करते हैं कि जेड जेड जो होता है आबेली ग्रुप होता है। अब ये प्रूव करते हैं तो पहले हम पहले इसकी देखते हैं, इसके लिए साचार्यता पहले इसके लिए क्लोजर देखते हैं सॉरी सॉरी क्लोजर देखते हैं। पहला हम जो देखते हैं वो अपने पास क्लोजर फुल क्लोजर यानी संवृत्तता देखते हैं संवृत है या नहीं। हम कोई अवयव ले लेते हैं ए बिलोंग्स टू जेड ले लो बी बिलोंग्स टू जेड, तब हम ये देखते हैं ए प्लस बी किसे शो करना चाहिए? ये जेड में होना चाहिए, हमें ये शो करना है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जानते हैं कि कोई भी चूंकि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, अतः यह एक समवृत्त है, यह समवृत्त है, समवृत्त हो गया क्योंकि दो पूर्णांकों का हमेशा पूर्णांक होता है। अब हमें देखना है इसके लिए सेकंड है अपने पास वो है अपने पास साचार्यता। अब साचार्यता क्या होता है? साचार्यता होता है ए अब जैसे यहाँ पे अपने पास क्या ऑपरेशन क्या है सम प्लस है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि पूर्णांकों का योग किसी भी क्रम में करने से समान होता है अतः साचार्य है। अपने पास ये साचार्य आ चुका है उसके बाद अपने हमें निकालना है। अब साचार्य आ चुका है तो उसके बाद हमें दिखाना है कि ये
तत्समक अभी अब सॉरी आइडेंटिटीज में है। अब क्योंकि पूर्णांकों में अपने पास हम पूर्णांक होते हैं उनमें हम जीरो एक ऐसा अवयव होता है जिसमें किसी को जोड़ दो तो हम देख सकते हैं तत्समकता। तत्समकता अब अगर हम जैसे हम ए में कोई ए पूर्णांक है, ए यानी पूर्णांक, ए बिलोंग्स टू जेड देन, और जीरो बिलोंग्स टू जेड क्यों, जीरो एक वो है, तो ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए, अतः जीरो तत्समक अवयव है। अब तत्समक हो गए तो उसके बाद हमें देखना है इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसी में होना चाहिए, तो हमने ले लिया इनवर्स यानी कि प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव प्रूव करने के लिए ए बिलोंग्स टू जेड है तो माइनस ए बिलोंग्स टू जेड ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो बराबर माइनस ए प्लस ए, अतः तत्समक अवयव है। अब तत्समक अवयव अपने पास आ चुका है तो उसके बाद अपने पास आता है अभी तत्समक अवयव आ चुका है उसके बाद हमें इसको आबेली प्रूव करना है। अभी ग्रुप तो प्रूव हो चुका है, अतः जेड एक ग्रुप है योग संक्रिया के साथ, योग संक्रिया के साथ एक ग्रुप है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक आबेली ग्रुप है। अब आबेली ग्रुप के लिए ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, चूंकि जेड पूर्णांकों का योग क्रम में होता है अतः यह आबेली ग्रुप है, अतः यह है क्रम में है। अब चूंकि ये ग्रुप है और क्रम बिन्न में है, क्रम बिन्न में होने के साथ हो गया तो ये अतः क्रम बिन्न में भी हो गया, ये अतः जेड एक आबेली ग्रुप है। अपने पास ये प्रूव कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास निम्न को परिभाषित कीजिए जो 2014 और 2010 में पूछा गया है और उसके बाद पूछा गया है वो 2014 के बाद 2015 2016 या 2017 में, तो मेरे पास पेपर नहीं है अभी इसलिए मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, आप खुद देख लीजिए। ये शायद पूछा गया होगा क्योंकि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में यही होता है कि अगर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो पहला क्वेश्चन ये परिभाषित में इसमें पूछा है वलय, वलय पहले हम पढ़ते हैं वलय किसे कहते हैं, उसके बाद हम शून्यभाजक सहित वलय पढ़ेंगे, शून्यभाजक रहित वलय पढ़ेंगे, उसके बाद क्षेत्र पढ़ेंगे। अब वलय क्या होता है, वलय वलय को हम डिफाइन करते हैं, पहले माना कि आर एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं, जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं, एक तो अपने पास प्लस है एंड तथा डॉट, मतलब प्लस एंड डॉट जो अपनी परिभाषा दी हुई है इसमें परिभाषित है। यदि अब यदि इस मतलब इसकी कुछ कंडीशंस होंगी जो ये आर है जो सेट है उसके, अभी अब इन दो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो उनको रैंक कहेंगे। अब वो कंडीशन है आर वन, आर वन अपने पास है आर प्लस एक आबेली समूह है, आबेली समूह है, आबेली समूह। फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और ग्रुप की डेफिनेशन के बाद हमने आबेली ग्रुप पढ़ा था, आबेली ग्रुप को हमने बताया था कि अगर कोई ग्रुप होगा और वो क्रम बिन्न में होगा तो वो आबेली ग्रुप होगा। तो आर प्लस के लिए जो अपने पास फिर से हम बता देते हैं, आर प्लस के लिए जो होगा अपने पास वो होगा
उसके लिए समवृत नियम फॉलो करना चाहिए, साचार्य नियम, तत्समक नियम, प्रतिलोम अभियव का एग्जिस्ट करना तथा क्रमविन्यमय, ये पांच कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है, वो होती है आर डॉट, आर डॉट एक सेमी समूह है, सेमी समूह। फ्रेंड्स सेमी समूह से मतलब क्या है, अपने पास जो आर डॉट होगा ना वो क्रम बिन में वो तो सॉरी क्लोजर होगा, संवृत होगा एवं साथ में ही क्लोजर फ्रेंड्स सेमी ग्रुप में अपने पास संवृत होना चाहिए एवं अपने पास होना चाहिए वो है अपने पास साचार्यता नियम का पालन करना चाहिए। अगर ये दो नियम का फॉलो कर रहा है आर डॉट तो अपने पास वो सेमी ग्रुप हो गया, और जो आर थ्री थ्री कंडीशंस है वो अपने पास फोर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैं, फोर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये अपने पास होता है दक्षिण बंटनशीलता। और अपने पास जो दूसरी कंडीशन वो होती है उसमें बी प्लस सी डॉट ए बराबर होता है बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये होती है अपने पास वाम दक्षिण वाम बंटनशीलता। अब फ्रेंड्स जो कोई भी अगर सेट होगा वो इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा तो वो अपने पास एक आबेली ग्रुप बना रहा होगा, सॉरी आबले बना रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं शून्यवाचक सेट वाले, शून्यवाचक सेट वाले। फिर शून्यवाचक सेट वाले क्या होती है, शून्यवाचक सेट वाले होती है अपने पास है। किसी वाले आर में शून्यवाचक विद्वान होगा, मतलब कि अगर जैसे कोई वाले अपने पास वाले आर है, वाले आर में कोई शून्यवाचक विद्यमान होगा अर्थात फोर ऑल सम कोई कोई ए होगा, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, सम नहीं पूरे नहीं होंगे, कोई भी ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, और उसके लिए ए डॉट बी बराबर जीरो आना चाहिए, जहाँ वेयर ए इक्वल नॉट जीरो एंड बी इक्वल नॉट जीरो। अगर अपने पास ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो अपने पास जो होगा वो शून्यवाचक सहित वाले होगा। और अगर शून्यवाचक रहित वाले की फ्रेंड, शून्यवाचक रहित वाले क्या होता है, शून्यवाचक रहित वाले जिसमें ऐसे कोई भी अभी अपना नाम मिले वो शून्यवाचक रहित वाले होता है। और अब हम जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं पूर्णांक के प्रांत, किसे कहते हैं थर्ड पूर्णांक के प्रांत। पूर्णांक के प्रांत क्या होता है फ्रेंड्स, एक अशून्य वलय आर, कोई अशून्य वलय होगी, एक वलय आर अशून्य मतलब उसमें जीरो नहीं होगा, जीरो डज नॉट बिलोंग्स होगा, जीरो नहीं होगा, अशून्य वलय आर जिसमें कम से कम दो अवयव हो, जिसमें कम से कम दो अवयव हो, जो क्रम बिन में तत्समय की क्रम बिन में तत्समय की एवं शून्यवाचक रहित हो, एवं शून्यवाचक रहित हो, मतलब कि उसमें कोई शून्यवाचक रहित से मतलब उसमें कोई भी ऐसे दो अभी नहीं मिलने चाहिए कि ए डॉट बी करने पर जीरो आ जाए, तो वो अपने पास जो वो
वलय होगी, इस तरह जो वलय है उसमें क्रम बिन्न में भी हो, तत्समक की भी हो, ये मल्टीप्लाई के लिए है, क्रम बिन्न में हो, तत्समक की हो, वो शून्य भाजक रहित हो, एक पूर्णांक के प्रांत कहलाता है। अब हमारे पास जो चौथी डेफिनेशन आती है वो आती है अपने पास क्षेत्र। फ्रेंड्स क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र जो होता है वो होता है कम से कम दो अवयव वालों वाले, कम से कम दो अवयव वाला वलय। एक वो वलय रिंग तो होनी चाहिए, वो वलय एफ क्षेत्र कहलाता है यदि पहले फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए क्रम बिन्न में हो, सेकंड कंडीशन है तत्समक की हो, मल्टीप्लाई के लिए तत्समक की होना चाहिए उसके लिए, तथा थर्ड है प्रत्येक अशून्य अवयव के लिए, प्रत्येक अशून्य अवयव के लिए व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय हो मतलब कि उसके लिए जो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्सिबल होना चाहिए, इनवर्सिबल होना चाहिए, जो अशून्य अवयव हो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि एक अशून्य वलय एफ एक क्षेत्र है। इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब वो है अपने पास। अतः यह कहा जा सकता है कि एक अशून्य वलय एफ एक क्षेत्र है यदि एफ माइनस जीरो, सॉरी क्यों जीरो नहीं है उसमें, गुणन संक्रिया के लिए समूह हो, संक्रिया के लिए क्रम बिन्न में समूह हो। अब फ्रेंड्स अपने पास अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया अपने पास 2014 में आया है, और क्वेश्चन है बुलीय बीजगणित में दाम मोर्गन नियम के कथन, जो बुलीय बीजगणित में दाम मोर्गन नियम का कथन दीजिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए एवं सिद्ध कीजिए। एवं अब हमें दाम मोर्गन नियम क्या होता है वो देखना है। दाम मोर्गन नियम होता है यदि बी प्लस एम डॉट 01, इसमें ये दो अवयव होंगे बी में, एम प्लस तथा डॉट कोई संक्रियाएं होंगी, एक बुलीय बीजगणित है, बीजगणित है, तब बी के किन्हीं दो स्वच्छ अवयव, ये था बी के लिए, तब बी के किन्हीं दो स्वच्छ अवयव ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट होता है ए प्लस बी डॉट बराबर डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश, एवं सेकंड होता है वो होता है अपने पास ए डॉट बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब हमें इसका प्रूफ करना है, ये प्रूफ होता कैसे अभी देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। दिया है अपने पास कि बी प्लस डॉट 01 एक बूलिय बीजगणित है, माना ए बी बिलोंग्स टू बी, हमने दो अवयव मान लिए। अब हम हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट सिद्ध करते हैं, फर्स्ट सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ए डैश डॉट बी डैश को ए प्लस बी का पूरक सिद्ध करने के लिए,
का पूरक सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश बराबर 1, ये होगा। तथा अगर हम और जो सेकंड कंडीशन होगी ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो अपने पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये पहला पार्ट इसका ये ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश, ये अपने पास प्रूव हो जाएगा। अब हम ये प्रूव करते हैं, तो इसके लिए प्रूव करते हैं ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी प्लस बी डैश, ये लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम से ए डैश प्लस ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी और ये अपने पास बी डैश है, यहाँ पे ये हो गया अपने पास। तो अब इन दोनों को हम सहचार्य नियम से क्या कर सकते हैं, सहचार्य नियम से ए प्लस ए डैश प्लस बी ये हो गया डॉट, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस बी डैश ये हो गया। तो ये ए प्लस ए डैश क्या हो गया, 1 हो गया अपने पास, और बी प्लस बी डैश क्या हो गया, 1 प्लस बी एंड 1 प्लस ए। बोलिए बीजगणित में और क्या होता है, तो ए प्लस ए डैश बराबर 1 एंड 1 प्लस ए डैश कुछ भी ऐड करते हैं तो वो 1 आता है बोलिए बीजगणित में। तो ये 1 हो गया 1.1 बराबर 1, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए लेते हैं पुनः ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश बराबर, इस बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके मल्टीप्लाई करने पे आ गया अपने पास ए इसका मल्टीप्लाई जैसे किया तो ए डैश डॉट बी डैश प्लस बी ए डैश डॉट बी डैश, ये अपने पास ए डॉट ए डैश प्लस डॉट बी डैश प्लस बी, ये हमें क्रम विनिमय नियम लगा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया बी बी डैश ए डैश। क्रम विनिमय नियम लगाने के बाद अपने पास ये आ चुका है, ये ए डॉट ए डैश क्या होता है, 1 एंड बी डैश प्लस बी डॉट बी डैश क्या होता है अपने पास, 1 डॉट ए डैश, यहाँ सॉरी ए डॉट ए डैश अपने पास 0 होता है और बी और बी डॉट बी डैश भी 0 होता है, ये आ गया अपने पास 0.0 बराबर 0। अब अपने पास पहली जो कंडीशन आई थी वो आई थी अपने पास ये इक्वल टू 1 हो गया था और ये 1 हो गया था सॉरी ये 1 हो गया था, और सेकंड कंडीशन में ये अपने पास इसका मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये सेकंड कंडीशन पुनः अतः 1 तथा 2 से ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश ये हो गया अपने पास। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करना है, सेकंड पार्ट प्रूव क्या करना है, ए डॉट बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, सेकंड पार्ट ये प्रूव करने के लिए हमें ए डैश प्लस बी डैश को ए डॉट बी का पूरक सिद्ध करना है, पूरक सिद्ध करना है। अब पूरक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये पूरक है ए डॉट बी इसका पूरक है तो प्लस इसका मल्टीप्लाई जो होगा जो सम होगा सम सॉरी सम होगा वो 1 के इक्वल होगा और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो अपने पास 0 के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए पहले हम ये पार्ट ले लेते हैं, हमने ये पार्ट ले लिया तो ये पार्ट अपने पास ये पार्ट आ गया अपने पास ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट बी, क्योंकि हमने क्रम विनिमय नियम लगा लिया। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ए डैश
प्लस बी डैश प्लस ए एंड ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी, ये आ गया। इसके बाद हमने फिर क्रम परिमित नियम लगाया है। क्रम परिमित नियम क्या कहता है? अपने पास ए डॉस डेट प्लस ए डैश प्लस ए ले लिया प्लस बी, हमने इन दोनों में क्रम परिमित नियम लगा दिया। प्लस इसमें हमें क्रम परिमित नियम लगाने की जरूरत नहीं है, ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी, तो ये आ गया 1 प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है मल्टीप्लाई, ये 1 ए डैश प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास 1.1 इक्वल टू 1, ये आ गया अपने पास। अब सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए ए डॉट बी डैश ए डैश प्लस बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम ए डॉट बी ए डैश प्लस ए डॉट बी बी डैश। इसका हमने क्रम परिमित नियम लगा लिया इसमें, तो ये हो गया बी ए डैश प्लस ए बी बी डैश। अब बी बी डैश और ए डैश क्या होता है? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दोनों हैं, इसको हम 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, ए को 3 4, अतः समीकरण 2 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से अपने पास आ चुका है ए डॉट बी डैश ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये आ चुका है अपने पास। फ्रेंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने पास 2014 और 2010 में पूछा है, और ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ये निम्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलिए फलन का प्रेषमान रूप या DNF ज्ञात कीजिए। ये अपने पास दिया हुआ है f1 x1 x2 x3 बराबर, ये दिया हुआ है x1 प्लस x1 डैश प्लस x2 डैश एंड x1 प्लस x2 डैश डॉट x3 डैश, ये दिया हुआ है का डैश होल डैश दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ f(x1, x2, x3) बराबर जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम x2 होल डैश डॉट मल्टीप्लाई, ये अपने पास x1 प्लस x2 डैश x3 डैश इसका होल डैश, सॉरी ये है अपने पास, ये x2 डैश x3 डैश का होल डैश और टोटल बंद क्लोज हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम x1 प्लस x2 डैश बराबर क्या होता है? वो होता है अपने पास x1 डैश डॉट x2 डैश, तो ये आ जाएगा x1 डैश का डबल डैश, तो वो x1 ही आ जाएगा x1, और x2 डैश आ जाएगा डॉट x2 डैश, ये आ गया प्लस x1 डैश डॉट x3 डैश का होल डैश, तो इसका ऊपर अंदर डैश लाएंगे, तो जैसे अपने पास होता है अगर ये हो अपने पास x1 प्लस x2 डैश x2 का होल डैश, तो ये होता है अपने पास x1 डैश प्लस x2 डैश, और अगर ये हो अपने पास x1 डॉट x2 का होल डैश बराबर होता है x1 डैश प्लस x2 डैश। अब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसको हम x1 डबल डैश करेंगे तो x2 डबल डैश करेंगे तो x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 प्लस x3, ये हो गया अपने पास। अब हम यहाँ से x1 इसको क्या कर सकते हैं? हम इसमें कर सकते हैं x1 हम कॉमन ले सकते हैं, x1 1 प्लस x2 डैश ये हमने कॉमन ले लिया, डॉट x2 प्लस x3 प्लस x2 डॉट x3, ये है अपने पास। अब ये 1 प्लस x2 डैश क्या होता है? अवशोषण नियम जो होता है वो अवशोषण नियम क्या कहता है अपने पास? अवशोषण नियम 1 प्लस x होगा तो 1 हो जाएगा, ये अवशोषण नियम है अपने पास, तो ये हो गया अपने पास x1 मल्टीप्लाई में आ गया अपने पास x2 प्लस
सॉरी यहाँ एक्स वन चल रहा है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये आ गया अपने पास। अब हमने इसको एक्स वन का अब फ्रेंड्स यहाँ अवशोषण नियम से ये एक्स एक्स वन डॉट जो भी समथिंग मल्टीप्लाई में है वो अपने पास अवशोषण नियम से एक्स वन ही रह जाएगा। अभी अपने पास एक्स वन रहेगा तो हम अब एक्स वन डॉट वन लिख सकते हैं इसको, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया वन डॉट वन, तो ये इसको लिख सकते हैं एक्स वन तो ये है ही डॉट एक्स वन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स टू प्लस एक्स टू डैश प्लस इसको लिख सॉरी मल्टीप्लाई एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री डैश, क्योंकि ये वन होता है ये हो गया अपने पास, ये लिख दिया हमने, ये सब मल्टीप्लाई में है। अभी ये मल्टीप्लाई में तो हमने एक्स वन बाहर ही रखा, एक्स टू प्लस एक्स टू डैश एंड एक्स थ्री प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश ये कर दिया हमने। उसके बाद हमने एक्स वन को बाहर ही रखा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स टू डैश एक्स थ्री प्लस एक्स टू एक्स थ्री डैश प्लस एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश ये हो गया। अब हमने एक्स वन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स वन एक्स टू डैश एक्स थ्री प्लस एक्स टू एक्स थ्री डैश सॉरी एक्स वन आ गया आएगा प्लस एक्स वन एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास, ये अपने पास आंसर है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।